डिस्काउंट और बट्टा। तो डिस्काउंट या बट्टे का मतलब क्या है कि सपोज वी हैव सम कॉस्ट प्राइस, सपोज इट इज 60 रुपीज, वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग दैट कॉस्ट मी 60 रुपीज एंड आई वॉन्ट टू गेन सम प्रॉफिट से 20 रुपीज। सो माई सेलिंग प्राइस इज 60 + 20, दैट इज 80 रुपीज एंड आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक बाई सेइंग दैट वी आर गिविंग सम डिस्काउंट और इट इज ए सेल एंड 20% ऑफ। देन वी हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट टू एडजस्ट दैट 20% एंड इवन देन वी शुड अर्न समथिंग। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग समथिंग at 20% discount and we have fixed MRP 200, इसका मतलब क्या हुआ कि actual cost जो है, जो हमें पड़ी थी जिस पे हम सेल करना चाहते थे, वो इससे काफी नीचे हुई, तभी हम इसको 20% ऑफ कर, 20% छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया। सो दिस प्रोसीजर इज जनरली यूज्ड nowadays to attract the customers. So the formula is sale price is equal to MRP minus discount. What is MRP? Maximum retail price. आपने अक्सर देखा होगा कि products पे चिट लगी होती है, उस पर लिखा होता है MRP such and such. तो वो MRP जो है maximum retail price, यानी वो जो रिटेलर वहां बैठा है जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो एंटाइटल्ड है उस प्राइस पे बेचने। लेकिन आजकल सेलिंग टेक्निक्स क्या है कि हर कोई कम कराना चाहता है, तो लोग क्या करते हैं कि आके आप बार्गेनिंग ना करें, वो पहले ही उस पे बोर्ड लगा देते हैं कि 20% ऑफ या डिस्काउंट 20%, इस तरह के बोर्ड लगा दिए जाते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, लोग जल्दी से भागते हुए जाएं कि हाँ यहाँ सेल चल रही है, चलिए खरीद लीजिए सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन दीज आर सेलिंग टेक्निक्स, लोग पहले बढ़ा के कीमत लगा देते हैं और फिर उसमें डिस्काउंट दे देते हैं, तो उनको फिर भी जो प्राइस सेल करना था उस पर वो सेल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए 200 की फुटबॉल टैग प्राइस है या एमआरपी है, उस पर 20% डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद भी देखिए ये कितने की पड़ी, 160 की, तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी 160 से भी नीचे होगी, यानी जो मैन्युफैक्चरर है ही मस्ट बी प्रिपेयरिंग दैट फुटबॉल समवेयर अराउंड 120 और 125, ही मस्ट बी गिविंग सम मनी टू द वेंडर हु टेक्स द मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री टू द रिटेलर एंड देन द रिटेलर मस्ट बी अर्निंग समथिंग। सो टोटल कॉस्ट एट द रिटेलर इज 160 विच ही इज गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर। देखिए जब कोई चीज फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाती है, वहां से होलसेलर उस प्रोडक्ट को उठाता है, रिटेलर तक पहुंचाता है, रिटेलर उसको अपना मुनाफा कमा के तब कस्टमर को देता है, तो फैक्ट्री अपना जो प्रॉफिट है वो लेगी, जो होलसेलर है वो अपना प्रॉफिट लेगा, जो रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट लेगा, तब वो कस्टमर तक पहुंचता है। ये सबको पता है, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि सेल चल रही है, सेल के नाम से आजकल पब्लिक बड़ी जल्दी भाग के जाती है, वहां सेल लगी भी चलो देखते हैं क्या है, और चीज कोई भी है उसकी जब बढ़ा के कीमत लगा दी जाती है कि दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है बड़ी महंगी चीज है लेकिन डिस्काउंट देके हमें इतने कम में दे रहे हैं।
तो ये एक एग्जांपल है जहां पे एसपी मैंने निकाल के दिखाया है, यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट, दिस इज द फार्मूला वी यूज। तो एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डिस्काउंट वो छूट या कमी, तो इसको बट्टा या छूट कह सकते। तो ये मान लीजिए जैसे इस केस में हमने 20% दे दिया है और इसका जो एमआरपी था वो 200 लिखा हुआ है, तो इस 200 पे ये 20% कैलकुलेट किया जाएगा। यानी डिस्काउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बल्कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। हमेशा याद रखिए कि ये जो कैलकुलेट होगा ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कैलकुलेट होगा। सो इसको जब हमने 100 से डिवाइड किया वी गॉट 2 एंड 2 इंटू 20 इज 40, यानी टोटल डिस्काउंट हो गया 200 रुपए की चीज पे 40 रुपए। तो 200 में से 40 माइनस किया तो 160 आ गया। दिस इज द सेल प्राइस विच द कस्टमर हैज टू पे आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट। सो एक्चुअली रिटेलर इज गेटिंग दिस 160 रुपीज आफ्टर फिक्सिंग ए टैग ऑफ 200 रुपीज। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, ये तो डिस्काउंट रहा। अब अक्सर क्या होता है कि छूट जो है ये भी कई तरह की होती है। मान लीजिए एक से ज्यादा तरह का डिस्काउंट अगर आपको दिया जा रहा है, अब आप किसी शोरूम में जाते हैं 20% तो डिस्काउंट वो दे ही रहा है मान लीजिए, और वो 300 रुपीज की मान लीजिए कोई प्रोडक्ट थी, एक शर्ट है जो आप 300 में आपने देखा, इसको एमआरपी जो है इसका 300 रुपीज, यानी जो टैग लगा था शर्ट पे दैट इज 300 रुपीज। लेकिन आप जो रिटेलर है उसके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं, कहेगा ठीक है आपको 5% में डिस्काउंट और दे देता हूँ। वो रिलेशन जो है आपका, उसकी वजह से वो आपको 5% डिस्काउंट और दे देता है। तो आपको जो सेल प्राइस पड़ी, यानी आपने जो खरीदा दुकानदार के लिए या रिटेलर के लिए, दैट वाज सेल प्राइस एंड फॉर यू इट वाज कॉस्ट प्राइस। ये कहलाता है मल्टी डिस्काउंट प्रोसीजर, यानी एक से ज्यादा अगर डिस्काउंट मिले हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी प्रोसीजर वही। यानी कि एसपी इज इक्वल टू एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट अगर 8 है तो डिस्काउंट का प्रोसीजर यह है, जो भी डिस्काउंट दिया गया है डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू एमआरपी, दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्काउंट। अब यहां पे जैसे दो स्टेजेस में डिस्काउंट दिया गया है, एक 20% जो सबके लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन आप उसके क्लोज फ्रेंड थे या रिलेटिव थे, आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो अब जो आप पे करेंगे वो किस तरह से करेंगे वो आप देखिए। अब देखिए डिस्काउंट, पहले तो मैं सिंपल फार्मूला अभी दोबारा आपको जनरेट करके दिखाता हूं जो हमने किया था। दिस इज एमआरपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू एमआरपी। देखिए एमआरपी यहां भी है यहां भी है, इसे कॉमन ले लीजिए। सो 1 माइनस डी अपॉन
ये तो रहा अगर ये एक ही होता, लेकिन यहाँ पे दो स्टेजेस में डिस्काउंट है, तो इस तरह के केस में क्या होगा, यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी इनटू 1 माइनस टी वन अपॉन 100 इनटू 1 माइनस टी टू अपॉन 100, यानी जितने डिस्काउंट आते जाएंगे उससे इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहां पे 20% और 5% मिला, तो यहां पे अगर कीमत थी 300, तो फर्स्ट मिलने के बाद इसकी कीमत क्या रहेगी, पहले वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका 5% इसने दिया है, तो 20/100 इंटू 1-5/100, सो दिस इज इक्वल टू 1/5, 2, 0, so 1-1/5 that means 4/5, and 1-1/20 that is 19/20, so 25/100, so 3 for the 12 into 19 to the 38, 19 plus 3, 22, ये सेल प्राइस 228 is the वैल्यू विच द कस्टमर हैज टू पे एंड द रिटेलर हैज देखिए, अगर हम इस तरह से न निकालते तब क्या होता, अगर हम इसको सीधा जोड़ देते 20 plus 5 25% ले लेते, तो जाहिर है 300 का 25% 75 होता, तो ये 228 ना होके ये कितना होता 225, यानी टोटल अगर हम 25% डिस्काउंट दे देते, यानी 300 - 25/100 × 300, अगर इस तरह से कैलकुलेट करते, यानी इसको मिक्स करके करते, तो क्या डिफरेंस आता वो देख लीजिए, सो 300 - 75 दैट मींस 225, ₹3 का जो डिफरेंस आया है वो इसलिए कि पहला डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बची है उस पे आगे नेक्स्ट डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाए। इसी केस का तरीका ये है कि सीधा जो डिस्काउंट है उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकालते, तो यहां पे ₹3 का डिफरेंस इसी वजह से। So this is the procedure to find multiple discounts. अगर एक से ज़्यादा discount है, तो यही तरीका है। और इसको generalize अगर आप करना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 कितने भी discount हो सकते हैं। तो उसके लिए general formula जो है, SP is equal to MRP into 1-D1/100, 1-D2/100 and so on, मतलब जितने भी आएंगे उनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप ये नहीं करेंगे कि इन सब डिस्काउंट को जोड़ दें, नो दैट विल बी रॉन्ग प्रोसीजर। सो दिस वाज डिस्काउंट। अब इसमें एक केस और हो सकता है, अक्सर आपने देखा है कि कुछ लोग वे करने में बेईमानी कर लेते हैं,
बड़ा कॉमन एग्जांपल है कबाड़ी का, पुराना सामान खरीदने वाले वो लोग क्या करते हैं, वो जो उनका बैलेंस है वही डिफेक्टिव होता है। आप उनसे अगर वे कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि जितना वे होना चाहिए उतना न होगी, कुछ कम होगा उनके, या तो बैलेंस डिफेक्टिव होगा या जो वेट्स को यूज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव होंगे। जो सामान आपने दिया उनको उसका वेट जो एक्चुअल है उससे कम आएगा, उस केस में क्या करते हैं वो भी देखते हैं। देखिए डिस्काउंट जो है किस तरह से हुआ, ये हुआ उस कबाड़ी के लिए जो छुपा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है, देखिए फिनोमेना क्या होता है कि ये आपने मटेरियल जो दिया वो रखा है, ये उसके वेट्स हैं, उसने जो वेट रखे वो एक्चुअल वेट अगर मान लीजिए 1000 था, वो तोल रहा है 1000 माइनस एक्स, यानी एक्स ग्राम की वो डंडी मार रहा है। He is weighing less एक्स ग्राम्स पर 1000 ग्राम, यानी वो आपसे जो चीज ले रहा है वो एक्स ग्राम फालतू ले रहा है और आपको जो पैसे दे रहा है वो 1000 ग्राम के दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ वेट, यानी वेट में वो घुमाते हैं। जो फेरी वाले आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि तराजू या बाट जो है अपने इस तरह से एडजस्ट करके लगाते हैं कि आप जो भी तुलवाएंगे उसके मुकाबले वजन कम निकलेगा। मान लीजिए आप 20 किलो सामान उसको देते हैं कबाड़ी वाले को, कहते हैं कि ये अखबार है ये आप ले लीजिए, 20 किलो अगर है उसको 15 किलो तोल के जाएगा या 14 किलो तोल के जाएगा या 16 किलो तोल के जाएगा, जो भी उसने एडजस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको जो पैसा मिलेगा 20 किलो का नहीं मिलेगा बल्कि जो उसने तोला है उतने केजी का। तो किस तरह से डिफरेंस बैठता है वो आप देखिए, बैलेंस और वेट्स आर डिफेक्टिव, या तो बैलेंस डिफेक्टिव होगा या वेट्स डिफेक्टिव होंगे। He weighs x ग्राम less than actual weight, तो जितना आपके सामान का वजन होना चाहिए था उससे वो x ग्राम कम तोल रहा है, मतलब आपके लिए जो वेट आ रहा है वो x ग्राम कम है, वो x ग्राम फालतू लेके जा रहा है। और फॉर ईच 1000 ग्राम इफ ही इज weighing 1000 minus x ग्राम, तो आपके 1000 ग्राम को वो 1000 minus ग्राम x ग्राम तोल के जा रहा है, तो he pays for 1000 minus x ग्राम, वो आपको 1000 के पैसे नहीं देके जा रहा है, 1000 ग्राम के 1000 minus x ग्राम के देके जा रहा है in place of 1000। तो 1000 ग्राम की जगह 1000 माइनस एक्स ग्राम के देके जाता है। He is not paying for x ग्राम, क्योंकि x ग्राम जो है इसके पैसे आपको देके नहीं जाता। Let cost price for us in rupees is y for 1000। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम के लिए हमें जो कीमत है जो वो दे रहा है y, तो he is paying us rupees y for 1000 plus x grams, तो हमें तो दिखा रहा है कि ये हमने अगर 1000 ग्राम तोला है तो एक्चुअली वो आपसे लेके जा रहा है 1000 plus x, यानी x ग्राम का मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है। तो गेन परसेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली उसने जो y रुपीज आपको दिए उसको जो वेट पड़ा दैट इज 1000 माइनस x, ये उसकी जो
आपने दिया वो सेल प्राइस होगी, और आपको सेल प्राइस क्या पड़ी थी, आपने तो 1000 ग्रैम के ये वाई रुपीज दिए, ये रेट आपको पड़ा था, इसी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। ये आपके लिए सेल प्राइस है और वो परचेज प्राइस है उसके लिए। y इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 अपॉन 1000 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1000। तो नीचे भी y कॉमन ले लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, कीमत कुछ भी थी इट डजंट मैटर। अब वो कितना परसेंटेज आपसे लेके गया, आपको कितना परसेंट का बेवकूफ बना के गया, वो एक कैलकुलेशन। तो sp माइनस cp अपॉन cp इनटू 100 ये फार्मूला है जिसका हमने यूज किया है। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1000 माइनस x इनटू 1000 हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा माइनस 1000 माइनस x, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया तो 1000 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, और नीचे जो 1 अपॉन 1000 है 1000 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, इस 1000 से 1000 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर बचा x नीचे 1000 माइनस x इनटू 100। ये एक्चुअली फार्मूला है कि अगर वो गलत तोल के जाता है तो उसको कितना फायदा हो रहा है और आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान उसका फायदा ये, यानी अगर x ग्राम उसने गलत तोला तो x अपॉन 1000 माइनस x ये इतने का कुछ चूना लगा गया।